बारिश बहुत तेज हो रही है तो पोहा खाने का मन हो रहा है, तो मैं पोहा बनाऊंगी आज। बहुत तेज बारिश हो रही है। मम्मी प्याज आलू मिर्चा काट कर रख दी है। ओम लैया और मिर्चा नींबू लेके आया अभी, और चप्पल पहन के भी आ गया है अंदर। गाइस देख लिए इसके संस्कार। अरे पागल है। यहाँ पे मेरा तेल भी गर्म हो गया, अब मैं इसके अंदर डालूंगी राई। मैंने इसमें कटा हुआ प्याज डाल दिया है, मिर्चा डाल दूंगी। यहाँ अकेले बैठ के खेल रहे, इसके साथ कोई खेलने वाला है नहीं, तो ये मच्छर को मारने वाला बैडमिंटन से खेल रहा है। बताओ बेचारा। बहुत दिन हो गए थे पोहा खाए हुए, तो मैं सोची आज पोहा बनाऊँ। प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब मैं इसके अंदर डालूंगी आलू। मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है। आप सब सोच रहे होंगे मैं लैया का बना रही हूँ, पर हमारे घर पर सबको लैया का ही पसंद है पोहा, और बाकी आप सबके यहाँ तो चूड़े का बनता होगा। मैं अभी इस लैया को धुल दूँगी पानी में, अच्छे से धुल दूँगी, और वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। फिर जैसे आप सब चूड़ा को धुलते हैं, वैसे सेम लैया को भी धुला जाता है। थोड़ा सा मैं इसमें नमक डाल दूँगी तो ये जल्दी गल जाएगा। फिर बाद में लैया डालने के बाद ऊपर से नमक डालूंगी। आधी नींबू काट दी हूँ मैं, जितना ज़रूरत लगेगा उतना उस हिसाब से मैं डालूंगी। इसके बीए को मैंने निकाल दिया है, अब इसके जूस को भी मैं निचोड़ के निकाल दूंगी। जितना ज़रूरत लगेगा गाइज, आप अपने हिसाब से खट्टा डाल सकते हैं। बाबू यहाँ अकेले बॉल खेल रहा है, अब कह रहा है कि टीवी स्टार्ट करने को, और टीवी चालू कर रहा है खुद ही। देखो चला पाता है कि नहीं। गाइस मैं अब धनिया को भी धुल दूंगी। आलू भी पक चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी लैया। मैंने थोड़ा सा लैया डाला और हल्दी डाल दी हूँ, अब ऊपर से और मैं लैया डाल दूंगी। लैया डाल दी हूँ, अब मैं इसमें डालूंगी नमक, और फिर बाद में इसको घुमाऊंगी। और गाइस ज़्यादा इस लैया को पानी से निचोड़ना नहीं, नहीं तो फिर सूखा मॉइस्ट चला जाएगा, तो फिर सूखा सूखा। अब मैं लेमन जूस डालूंगी, अब मैं इसको घुमाऊंगी धीरे धीरे, और छोटी छोटी बारीक बारीक धनिया भी काट के इसमें डाल दूंगी। मैं भी इसमें धनिया डाल दूंगी। इसको अच्छे से घुमा दूंगी। मैं रिव्यू लेके आती हूँ कैसा बना है, सबसे पूछ के आती हूँ कैसा बना है पापा। धवल कैसा बना है? बन गया तो खाई है। हाँ मम्मी कैसा बना है?